चांद रात है आज, और आज गर्मी थोड़ा सा कम है, और बाइसेप अभी अच्छा खासा दिख रहा है। स्टार्ट नहीं किया बाइक को, वॉश भी कराना है थोड़ा सा। माय गॉड, इसका इतना सारा प्रोडक्ट आ रहा है यार कोलैबोरेशन के लिए। थोड़ी देर में आ जाएगा कावासाकी सर्विस सेंटर। Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. So, आज second vlog है and 30 days का challenge लिया मैंने. So, देखते हैं कितना अच्छा जाता है और कितना दूर तक मैं कर पाता हूँ ये daily vlog. तो जा रहा हम double wave को service करवाने, क्योंकि ईद के लिए उसको ready करना है, detailing and all भी करवाना है. तो let's see service में कितना time लेता है, and after that फिर जाएंगे थोड़ा bike में detailing and polishing करवाने. So far so good. एंड आज सेकेंड व्लॉग है, सो आई होप आप लोगों को पहला व्लॉग पसंद आया होगा. बहुत ही रैंडम व्लॉग था. इट्स बीन लाइक एक महीना, 20 दिन के करीब हो गया डबल वेव को निकाला नहीं, स्टार्ट नहीं किया. सो क्योंकि डबल वेव इज ऑलवेज हॉट. कवर चला गया स्कूटी पे, बाइक का वॉश भी कराना है थोड़ा सा. माय गॉड, डबल वेव हो गई ये स्टार्ट. सो हाँ, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक्चुअली ये कैलिपर जो है, ये ब्रेक कैलिपर, ये जैम हो गया, तो इसी की वजह से सिर्फ इस साइड का जैम हुआ है, तो इसको अभी सर्विस करवाना पड़ेगा. इसकी वजह से क्या हुआ था, देखो ये जो डिस्क पूरा हीट हो गया था, इसके वजह से ये रस्ट आ गया इसमें, एंड यहाँ का रैप पूरा जल गया. इतना गर्म हो गया था गाड़ी, इतना गर्म हो गया था कि यहाँ का रैप पूरा जल गया. लोगों ये जो एरिया है, इससे थोड़ा सा स्लो निकलना पड़ता है. तो जो लोग कमेंट में बता रहे थे ना यार कि आप एग्ज़ॉस्ट चेंज करा लो दादा, बहुत सही होगा, डबल वेव चेंज हो जाएगा. देखो एग्जॉस्ट चेंज कराने का होता तो हम लेने के बाद ही करा लेता, ये स्लिप ऑन एग्जॉस्ट नहीं रखता, क्योंकि मुझे ज़्यादा साउंड पसंद है नहीं, और मैं मतलब जब दुर्गापुर गया था उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि लाउड एग्जॉस्ट का कोई फ़ायदा नहीं यार, सिर्फ वो लाउड है एंड और कुछ नहीं है. ये जो मेरा अभी जो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छा साउंड देता है, उतना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बट हाँ देन अगेन जब फोर्थ फिफ्थ गियर में गाड़ी बहुत भयंकर साउंड देता है. सो मैं तो एग्जॉस्ट चेंज कराने वाला नहीं हूँ अभी. कतई नहीं, एग्जॉस्ट चेंज नहीं होने वाला भाई, तो मुझे बोलना बेकार है, मुझे मना नहीं सकते एग्जॉस्ट चेंज करने के लिए क्योंकि ये साउंड मेरे लिए बेटर है. आई डोंट वांट इससे ज़्यादा साउंड. हाँ, अपग्रेड ज़रूर हो सकता है बाइक, बट अभी नहीं, कुछ महीनों बाद वेट अपग्रेड होगा तो आप लोगों को दिखेगा, एंड दैट विल बी ऑल्सो अ यूनिक वन. क्योंकि ये जो मेरा यूनिक बाइक है एक डबल वेव, सब देख के पहचान जाते हैं, अरे ये तो रोहन भैया का ही बाइक है. सो सेम लाइक दैट, अगर कुछ अपग्रेड होगा वो भी एकदम यूनिक होगा, बाइक भी ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है जीने के लिए. सो बाइक ऐसे चलाओ कि बाइक पे कोई खरोच ना आए.
और थोड़ी देर में आ जाएगा कावासाकी सर्विस सेंटर। माय गॉड फील्स डिफरेंट मैन। यहाँ पे थोड़ा बहुत आज हम लोग रील भी शूट करेंगे, इसी की वजह से मैं अपना गिम्बल भी साथ ही लेके आया हूँ। सो सर्विस होने के बाद थोड़ा रील वील शूट करेंगे, तो रील्स एंड ऑल फोटोज स्टोरीज अपडेट्स जितना भी है सब कुछ देखने के लिए यार इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो। इंस्टाग्राम है Hey Rohan96 इट इज़, फटाफट फॉलो करो, वहाँ पे स्टोरी अपडेट्स में पूरा पूरी एकदम रियल अपडेट्स रहेगा। सर्विस हो गया डन, ब्रेक का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, अब चला के देखते हैं इसको। अब इसका फ्यूलिंग का भी टाइम आ गया है, तो जाएंगे इसको थोड़ा फ्यूल अप करवाएंगे, कल के लिए रेडी भी करना है एंड वॉशिंग एंड ऑल भी करवाना है इसका। चलो चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट स्पिन भी कर लेते हैं। बूम पड़ा बूम मारता भाई। बूम बूम आवाज सुनो यार। इसका आवाज बड़ा खतरनाक है भाई। इतना दिन बाद जिसको चला के ना अच्छा लग रहा है। Feels nice man. कैसे बैरिकेड लगा के रख देते पुलिस लोग यार। गर्मी तो फिलहाल आज कम ही है, राइडिंग वाला डे लग रहा की ही पेट्रोल भरवाया मैंने, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी बाइक में फुल टैंकी फ्यूल रखना भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो गैस फॉर्म करता है अंदर में, गर्मी में और ज़्यादा गैस फॉर्म करता है तो फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल्सो कि फुल टैंकी तेल कभी मत भरवाना गर्मी में खास करके। इस वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कि मुझे और क्या क्या चीज़ ऐड करना चाहिए मेरे डेली लाइफ का। सो अगर पॉसिबल हुआ तो आई एम गोना ऐड इट फॉर श्योर।
ये लड़का हमेशा गेम खेलता रहता है, पढ़ाई लिखाई इसका कुछ है नहीं। देख रहे हो अभी भी फ़ोन में ये गेम चल रहा है इसका, और रात को 4 बजे तक ये गेम खेलता है अपने फ्रेंड के साथ ऑनलाइन में। सही में वो खुद ही बोल रहा, 2 बजे तक गेम खेलता है। सच बात डांस करी है लोग, चांद रात है आज, और आज गर्मी थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कम है। बाहर ज़्यादा धूप नहीं है, अभी हम बाहर से आया, और उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, थोड़ा इन्जॉयबल वाला गर्मी है। एंड कभी कभी समर भी इन्जॉय करना चाहिए। ओके सो पॉइंट पे आते हैं, डेली व्लॉग करने का मतलब ये 30 डेज़ का जो चैलेंज है, ये चैलेंज इसीलिए मैंने लिया है, खुद को दिया है, खुद को चैलेंज किया है, ताकि 30 डेज़ कंटिन्यू व्लॉग आए, ज़बरदस्ती आए। और 30 डेज़ अगर ज़बरदस्ती व्लॉग आ जाएगा तो थोड़ा बहुत हैबिट हो जाएगा, और बाहर में थोड़ा बहुत, हम अभी भी कैमरा शाई है तो बाहर में जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत शर्म तो आता ही है, थोड़ा बहुत शाइनेस फील होता है। तो अगर 30 डेज़ ये कंटिन्यू हो गया तो फिर वो शाइनेस ब्रेक हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट फुल ऑन डेली व्लॉग्स चलेगा गाइस। सो थोड़ा बहुत वीडियो को इन्जॉय करो एंड प्यार बरसाओ, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन, आप लोग कमेंट करोगे लाइक करोगे तो मज़ा आएगा। एंड अगर कुछ टॉपिक मतलब कवर करना है तो फिर बोलना मुझे, कमेंट में बताना या फिर इंस्टाग्राम में DM करना, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर से ज़रूर DM का जवाब देने और वो टॉपिक कवर करना। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो ये लोग डेली व्लॉग में मेरे आते रहेंगे, तो हैबिट डाल दो गाइस। और बाइसेप अभी अच्छा खासा दिख रहा है इसका, इतना सारा प्रोडक्ट आ रहा है यार कोलैबोरेशन के लिए। और एक प्रोडक्ट एम कैफीन से आया है उसका, और ये इसका मतलब पैकेजिंग जो है ना बहुत मस्त है। देखो और ये स्क्रबर है, इसमें हाथ घुसा के इसमें बॉडी वॉश लेके ऐसे ऐसे घिसना पड़ता है भाई, ये उसी काम में है। देखो बॉडी स्क्रब, ओह माय गॉड, ये तो एकदम कॉफी वाला मग है, बट इसमें एक्सक्लूसिव न्यू प्रोडक्ट। कैमरा इज ऑलरेडी सेट, इसमें मैंने रील्स शूट करने वाला लेंस लगा दिया है, एंड दिस इज़ अ ट्राईपॉड, गिम्बल भी चार्ज हो गया। सो चलते हैं नीचे। यो अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके बिकॉज वेदर बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छा है, तो नीचे जाके थोड़ा भी इंस्टाग्राम के लिए रील्स एंड फोटो शूट करेंगे, तो देखो। तो भाई शूट इज़ डन, आज भी व्लॉगिंग चल रहा है एकदम बहुत ख़तरनाक वाला, अच्छा खासा व्लॉगिंग चल रहा है। वो देखो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, एंड ये रही डेविल बेब, बहुत दिन बाद इसके साथ रील्स शूट किया, बहुत दिन बाद, उफ और पसीने छूट गए भाई, फुल पसीना छूट गया एकदम। फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा है बोल के नीचे आए इस टाइम पे, थोड़ा शूट किया वरना नहीं करते। एंड गिम्बल के साथ भी थोड़ा सा फुटेज लिया, आई होप रील्स में अच्छा लगेगा। एंड ये देखो पानी के साथ खेल रही है, ये शूट हो गया, अब ये पानी के साथ खेल रही है। आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और आज चांद रात है, कल ईद है, तो कल ईद का व्लॉग शूट होगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो और दिस व्लॉग हियर। देखो आ गया ये भी एंडिंग करने, सो लेट्स एंड द व्लॉग हियर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग, एंड अगर कुछ भी पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। ओके सो सी यू टुमारो।